हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका गौरी मॉम्स ब्लॉग में। आज मैं लाई हूँ बच्चों के लिए खासकर ऐसा नाश्ता जिसको खा के बच्चे पिज्जा बर्गर खाना भूल जाएंगे, जंक फूड जैसे आइटम खाना भूल जाएंगे। फ्रेंड देखिए, बंद गोभी को इस स्टाइल से जब काटेंगे तो मिनटों में बंद गोभी बन के कट के तैयार होती है फ्रेंड। और चिली फ्लेक्स भी देखिए हमने घर ही में ऐसे तैयार किया, वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको फ्रेंड। और फ्रेंड एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। फ्रेंड देखिए हमारी कितनी ज़्यादा बंद गोभी मिनटों में पूरी तैयार, मतलब कट के तैयार हो गई है फ्रेंड। तब तक हम चलिए एक डो लगा लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए हमने आटा ले लिया है, इसमें थोड़ा सा वेनेगर डाला है, मैंने बहुत थोड़ा डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और बहुत थोड़ा सा हमने ऑयल भी डाला है इसमें। अब इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये देखिए हमने डो तैयार कर लिया, इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तब तक हम अपनी बंद गोभी जो मैंने काटी थी फ्रेंड, उसको मैं हल्का सा तेल डाल के, बहुत हल्का सा, इसको मतलब सब्जी जैसा नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा हमको इसको मुलायम सा बनाना है ताकि ये कच्चा ना लगे। और हमने ढक के वो जब तक बन रहा है तब तक हम चिली फ्लेक्स भी बना लेते हैं। देखिए हमने इसमें कढ़ाई में बिना तेल के मिर्चों को रोस्ट कर लिया है। अब ये पटले पे बेलन की हेल्प से इसको प्रेस कर लेते हैं। जो बड़े टुकड़े रह गए हैं वो पन्नी में डाल के हम इसको हाथों से ऐसे ऐसे मसल के इसको क्रश कर लेंगे। और देखिए कितने अच्छे हमारी चिली फ्लेक्स बन के तैयार हुई। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को चिली फ्लेक्स की ये तरीका आपको कैसा लगा। और देखिए ऑर्गेनो का मेरे पास खाली डिब्बा था, हमने उसमें भर लिया है, उसको रख लिया है मतलब। और ये हमारी तब तक बंद गोभी भी बन के तैयार हो गई है। और जो हमने डो लगाया था फ्रेंड, अब उसकी लोइयां काटेंगे। देखिए हमारा डो भी जब तक सेट हो गया था फ्रेंड। एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपका एक सब्सक्राइब मेरी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। और आप लोग जानते हैं कि कुकिंग वीडियो बनाने में फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। वैसे भी हम लोग जब घर का खाना बनाते हैं तब तो इतनी मतलब मेहनत तो लगती है, और वीडियो बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और जो हमने ये रोटियां जैसी बेल ली हैं, दो हमने बहुत पतली सी लोइयां रखी हैं, और अपने हिसाब से थोड़ी सी मोटी भी बना सकते हैं। और देखिए जो हमने, और हमने इस पर जो चिली फ्लेक्स बनाई थी वो भी हमने इस पर स्प्रेड कर ली है। और अब अपने हिसाब से सॉसेस लगा सकते हैं फ्रेंड। ये हमारे बच्चे को थोड़ा मीठा कम पसंद है, तो मैंने इसमें टमाटो केचप नहीं लगाया है, सेजवान चटनी का यूज़ किया है। आपके बच्चे को जो भी पसंद हो आप वो चटनी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने बंद गोभी बनाई थी वो भी हमने इस पे लगा दी है। और अब हम इसमें प्याज टमाटर भी ऐड करेंगे, अगर आपके बच्चे को शिमला मिर्च पसंद है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें आप महीन महीन मशरूम और जो क्या कहते हैं पनीर की फिलिंग भी कर सकते हैं फ्रेंड। मेरे पास अभी इतना था तो मैंने ये अभी मतलब इतनी ही सारी सब्जियां लगाई हैं। और दूसरी जो रोटी बनाई थी उस पर हमने मेयोनीज को स्प्रेड कर लिया है, देखिए फ्रेंड हमने स्पून की हेल्प से। और इस पे हम डालेंगे ऑर्गेनो। ऑर्गेनो का टेस्ट पिज्ज़ा बर्गर में तो आता ही है, इसकी वजह से ही तो बच्चे खाना पसंद करते हैं। जब टेस्ट हमारा घर के आइटम में आ जाएगा ये वाला टेस्ट, तो बच्चे तो वैसे भी बहुत खाएंगे, और तो पिज्ज़ा की जिद भी नहीं करेंगे कि बाजार से पिज्ज़ा बर्गर ला के दो। तो इसको आप पिज्ज़ा कम पराठा भी बोल सकते हैं, पिज्ज़ा पराठा भी बोल सकते हैं, अपने हिसाब से इसको अपने रेसिपी का नाम दे सकते हैं फ्रेंड। और फोक की हेल्प से हमने इसमें डिजाइन बना ली, इससे ये पराठा चिपक भी जाएगा और इसकी जो फिलिंग है बिल्कुल बाहर नहीं निकलती है फ्रेंड। और ये देखिए फ्रेंड हमने इसकी हेल्प से और थोड़ा सा ऑयल डाल के, हमने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है फ्रेंड। आप देसी की बटर भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड का यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये बच्चों के लिए है, रिफाइंड हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा हमारा पराठा बन के तैयार हो गया है। और इसकी फीलिंग देखिए अंदर से निकाल दिए, देखिए फ्रेंड कितनी क्रीमी क्रीमी टेक्सचर का बना है हमारा पिज्जा पराठा बन के तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है खाने में, तो इससे भी डबल यम्मी था गाइस, आप इसको बनाइएगा जरूर। और फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपके बच्चों को कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा फ्रेंड। और ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए फ्रेंड थैंक यू, पर एक कमेंट्स तो बनता है फ्रेंड।